देखिए सुनिए, अगर आपके पास पढ़ाई से भी अगर कोई महत्वपूर्ण काम है तो ईमानदारी से आपको पढ़ना बंद कर देना चाहिए, क्योंकि सिलेक्शन तो होना नहीं है, और होगा भी जो एक साल का होगा वो 6-7 साल में होगा। अगर आपके जीवन में पढ़ाई से भी कोई इम्पोर्टेंट काम अगर है और पढ़ाई सेकेंडरी है, मतलब आपको कोई और काम आ जाता है, तो आप कोचिंग छोड़ सकते हो, आप पढ़ना बंद कर सकते हो, तो निश्चित तौर पे आप समझ लीजिए कि आपका सिलेक्शन आपसे काफ़ी दूर है, यानी आप सिलेक्शन लायक नहीं हो। ये क्या है कि अपना आकलन करने की कुछ व्यवस्थाएं हैं जो समझ लो आप। ये जीवन है जो आपका, अभी मान लीजिए आप 20 से 25 साल के हैं, कुछ कम ज़्यादा हो सकते हैं, और मान लीजिए कि एवरेज अगर उम्र में अगर आप 75 से 80 मान लेता हूँ, औसत आय मान लीजिए 75 से 80 है सामान्यतः, तो ये जो आपके 20 से 25 साल का ये जो इतने ईयर्स हैं, ये यहाँ जो 4-5 साल की मेहनत है या 1-2 साल की मेहनत है, उस पर आपके आगे के 50 साल डिपेंड है। यहाँ आपकी जो 2-4 साल की, कोई 1 साल में सिलेक्शन ले जाए, कोई 2 में ले जाए, कोई 3 में ले जाए, कोई जिसके जैसे एफर्ट, जिसके जैसे प्रयास, तो आज आपके क्या है कि जो 1-2 साल की जो मेहनत है उस पे आपका अगले 50 साल का जीवन टिका हुआ है। तो मेरे भाई आपका सबसे महत्वपूर्ण काम है वो किस पे टिका हुआ है? आपने कहा हमारा तो पढ़ाई से जीवन चलेगा, तो आप 100% पढ़ाई पर दीजिए। आप कहेंगे हमारा तो किसी और काम से भी कट जाएगा, तो आप उस काम को सीखिए। कुल मिलाकर जो करना है उस पर पूरी तरह समर्पित हो जाइए, तो आप उस काम को ईमानदारी से कर रहे हो। नहीं तो आपको कभी कभी ये ख्याल आता हो कि हमारा 2 बार में सिलेक्शन नहीं हुआ, 3 बार में नहीं हुआ, 5 बार में भी नहीं होगा। सिलेक्शन के लिए डेडिकेशन सबसे पहली प्रायोरिटी है, मुख्य प्राथमिकता है यही। आज हमारा अभी फोन आ गया, फोन उठ के चल गए कि साहब थोड़ा सा काम आ गया। अब भाई ये सोचो कि तुमसे किसी को कैसा कोई महत्वपूर्ण काम आ सकता है? आप क्या कर सकते हो? ये आपसे किसी को काम भी आएगा तो किस तरह का काम आएगा? आप किसी की जान बचाने के लिए जा रहे हो, क्या काम आएगा? भाई मिलना है, आ जाओ बाहर खड़ा हो गेट के, ये आ गए, थोड़ा चलना है, मार्केट चलना है, चलो फिल्म देखनी है, चलो यहाँ घूमने चलना है, ये इस तरह के काम आएंगे। और आप ऐसे तो होने के, एक फोन में आप क्या है कि अफगानिस्तान का रट्टा मेट दो, इतने महत्वपूर्ण तो आप हो नहीं कि नहीं साहब ये अगर मैं फोन नहीं उठाऊं तो पता चले कि बम फूट जाएंगे अफगानिस्तान, तो भाई उठाना पड़ेगा। कि आपके एक फोन रिसीव ना करने से हजारों लोगों की जान जा सकती है, तो काम के तो कुछ हो नहीं आप, और तो काम आपको बहुत है फिर भी। तो मेरे भाइयों ये जो मैं देख रहा हूं, ये जो पीढ़ी है आपकी वो ऐसे महान आलसियों की है जो सिलेक्शन तो सारे लेना चाहते हैं लेकिन उसके लिए प्रयास नहीं करना चाहते। और ईमानदारी से बात यही है कि अगर आप भले ही आप कितने भी कमजोर हैं पढ़ने में, ये मैटर नहीं करता है कि आप क्या है कि हमारा तो बेसिक कमजोर है, ये है वो है, कमजोर है वो तो धीरे धीरे मजबूत हो ही जाएगा अगर आप मेहनत करोगे तो। लेकिन अगर आप मेहनत लगातार कर ही नहीं रहे हो तो फिर नहीं होगा भाई। अगर बूंद बूंद करने से भी गड़ा भर जाता है, हमने सुना है, बूंद बूंद भी पानी लगातार टपकता रहे तब भी भर जाता है, लेकिन वो टपकता रहे। वो आपने कछुआ खरगोश वाली रेस देखी थी, कछुए की चाल से चलने से भी मंजिल पे पहुंचा जा सकता है, लेकिन शर्त क्या है उसमें? चलते रहो। ये जो बीच में एक एक दो दिन के दो दो ब्रेक है ना, वो वही खरगोश वाले ब्रेक हैं जो सो गया था और जीत गया था कछुआ। तो भाई हमें क्या है कि कछुए की तरह चलना आना चाहिए, हमारे पास कोई भी महत्वपूर्ण काम नहीं होना चाहिए, और बार बार रोज रोज भाषणबाजी का कोई मतलब नहीं है। अगर आप पढ़ाई के प्रति सीरियस है तो पढ़ाई से महत्वपूर्ण काम आपके जीवन में कुछ नहीं होना चाहिए, तो आप सिलेक्शन के लिए डिजर्विंग कैंडिडेट है, नहीं तो भीड़ है
जो लाखों की तादाद में फॉर्म भरती है, पेपर देती है और बाद में रोते रहते हैं सिलेक्ट कंपटीशन बहुत हो गया है, क्या करें। ठीक है ना, इस बार बैच बनेगा, इसमें पढ़ेंगे। इससे पहले बना था उसमें पढ़ा था और आगे भी बनेगा उसमें भी पढ़ेंगे, लेकिन सिलेक्शन का कोई नहीं। देखिए मैंने आपका अपना सर्वश्रेष्ठ इससे पहले वाले में भी किया था, अगर ईमानदारी से बच्चे ने पढ़ा है सबसे बेस्ट प्रयास वहां भी किया था और यहां भी मैं करूंगा, जो कुछ नए परिवर्तन होंगे उनके साथ। लेकिन शर्त यही है कि आप अपने लिए कितने ईमानदार हो वो बहुत जरूरी है।